चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं वेरी आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपकी नीट के लिए, एमपीपीएनएसटी के लिए, छत्तीसगढ़ बीएससी के लिए, सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए आज मैं टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो जिनको वीडियो पसंद आता है वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की फ्री क्लास में तो आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में ऐड होना है और कोई भी जानकारी लेना है तो आप ले सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है। चलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये जितनी भी बार एग्जाम में पूछे हुए उन सब के क्वेश्चन। चलिए कौन सा श्वसन तंत्र के चालन का भाग नहीं है। वेरी वेरी गुड, अंतःश्वशक्ति वायु का तापमान शरीर के तापमान पर आता है, ये बिल्कुल सही है। वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है, ये भी सही है। वायु को आर्द्र करता है, ये भी सही है। लेकिन आपका ये वाला भाग नहीं है कि O2 और CO2 के विसरण के लिए सतह पर प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर, एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है तथा तब माल्टोस का फार्मूला क्या हो। वेरी वेरी गुड, C12H24O12। कथन है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिक डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं जिसे पेलीडेंड्रोमिक न्यूक्लाइड अनुक्रम बनता है। कथन सेकंड है कि एंडोन्यूक्लिक डीएनए रज्जु को पेलिनोड्रेमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर काटते हैं, यह कथन कौन सा सही है। ए बी, तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ई कोलाई स्ट्रेन में जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और इसका उत्पादक प्रेरक अणु के साथ नहीं बन सकता, यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो इसका परिणाम क्या हो। भगवान वायर, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है, डी वाला, जेड वाई और एन जीनों का अनुलेखन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तिल चट्टे में टेग्निमा कहाँ से निकलता है। तिल चट्टे में टेग्निमा कहाँ से निकलेगा। तिल चट्टे में टेग्निमा कहाँ से निकलता है, मध्य वक्ष से। कहाँ से निकलेगा, मध्य वक्ष से निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंत प्रद्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है। अंत प्रद्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। वेरी वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक्स में केवल RER उपस्थित होता है, ये आपका गलत है। ACR लिपिड संश्लेषण का स्थल है, RER में राइबोसोम ER से चिपके होते हैं, ACR में राइबोसोम नहीं होता है, ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्व स्थानों संरक्षण का संदर्भ है। स्व स्थानीय संरक्षण का संदर्भ है 159, समस्त परितंत्र को बचाना और संरक्षण प्रदान करना। एंडिनोसिन डीमोनेज एडीए की कमी की जीन चिकित्सा में, एंडिनोसिन डी एमिनेज एडीए की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियरिंग लसीका अणु को देने की आवश्यकता होती है, क्यों। वेरी गुड, क्योंकि इसमें अनुवांशिक इंजीनियरिंग जीवाणु अमर कोशिका के नहीं है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग लसीकाणु अमर कोशिका का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी दंड की दो निकटतम अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित रहता है। केशुरी की दंड की दो निकटतम अस्थियों के बीच क्या उपस्थित होता है। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, उपास्थि। केशुरिक दंड की दो निकटतम अस्थियों के बीच उपास्थि उपस्थित रहती।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के स्त्रावों द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा कार्य है जो लार ग्रंथियों के स्त्रावों द्वारा नहीं किया जा सकता। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। डाइसेकेराइड का पांचा, यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 से 8 बार मर जाती है तब इस समष्टि की मृत्यु दर रिक्त स्थान प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह होगी। जीरो पॉइंट वन। प्राकृतिक वर्ण जिसने अधिकतर व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं उसके द्वारा जो होता है वो क्या होगा। उसके द्वारा दिशात्मक परिवर्तन होगा। क्या होगा? दिशात्मक परिवर्तन होगा। सूक्ष्म जीव को आपको पहचानना है जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। ट्राइकोडर्मा पाल्सीस्पोरम। कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? वेरी गुड, तंत्रिबद्ध। ये संयोजी संयोजी उत्तक नहीं, उपस्थि है, रक्त है, वसा है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है जीवन के किस चरण में अंडजनन आरंभ होता है। जीवन के किस जनन में अंडजनन आरंभ होगा? भ्रूणी परिवर्धन चरण। भ्रूणी परिवर्धन चरण। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विटामिन और खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों को प्रजनित करने को आप क्या कहते हो। उसे हम कहते हैं बायो फर्टिफिकेशन। ये मैंने आज आपको कितने 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है ना कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में एड होना है। वीडियो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।